दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय डीडीएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी। देहरा में यातायात नियमों की अनदेखी पर प्रशासन ने शिकंजा कस दिया है। इसी कड़ी में रविवार सुबह डीएसपी देहरा रणधीर सिंह ने स्वयं रानीताल में राष्ट्रीय राजमार्ग 88 पर आने जाने वाली गाड़ियों का औचक निरीक्षण किया। पुलिस के इस कार्रवाई से अवैध खनन करने वालों में हड़कंप मच गया। इस दौरान उन्होंने यातायात के नियमों का पालन न करने वाले चालकों को सख्त हिदायत देते हुए नियमों का पालन करने को चेताया। इस दौरान उन्होंने एक ट्रैक्टर को पकड़ा जो कि अवैध खनन करके बजरी ढो रहा था। हैरानी की बात ये थी कि ट्रैक्टर के आगे व पीछे नंबर प्लेट भी गायब थी। ऐसे में मौके पर उसका चालान काटा गया। सर नमस्कार, दिव्य हिमाचल में आपका स्वागत है। सर आज आपने सुबह सुबह नाका लगाया, सर क्या मकसद है आज का ये? सर फाइल चेकिंग। जी जी सर, ये ट्रैक्टर रोका इसमें क्या है, माइनिंग के लिए है क्या? माइनिंग के लिए। और इसमें तो नंबर प्लेट वगैरह भी नहीं है। हाँ, नंबर प्लेट के लिए इसको 2 दिन का टाइम दे दिया। 2 दिन के में अगर नंबर प्लेट नहीं लगाएंगे तो इसका ट्रैक्टर इंपाउंड करके चौकी में खड़ा करेंगे। अब इसके ऊपर क्या कार्रवाई की, अभी चलान किया सर? माइनिंग एक्ट में चलान कर दिया। अच्छा, ये आगे भी अभियान जारी रहेगा? हाँ ठीक है सर, थैंक यू। जिला ऊना के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान डीडीएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी गोंदपुर बनेड़ा अपर में बी फार्मेसी के लिए दाखिला शुरू हो गया है। कॉलेज संस्थापिका चंचला देवी एवं प्राचार्य डॉक्टर अमर सिंह ने बताया कि किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से 10+2 मेडिकल अथवा नॉन मेडिकल पास विद्यार्थियों हेतु बी फार्मेसी में डिग्री हेतु 60 सीट्स का प्रावधान है, जबकि डीडीएम कॉलेज में इस बार डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स में शुरू किया गया है जिसमें मैट्रिक पास विद्यार्थियों हेतु 60 सीट्स का प्रबंध है। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के चलते विद्यार्थियों को राज्य बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अपितु घर द्वार पर ही बी फार्मेसी की डिग्री एवं डिप्लोमा की सुविधा उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि डीडीएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय एवं पीसीआई से अप्रूव है। इसमें अत्याधुनिक सेंट्रल इंस्ट्रूमेंट रूम, लैब, लाइब्रेरी, क्लासरूम के अलावा अनुभवी एवं प्रशिक्षित स्टाफ उपलब्ध है। यही वजह है कि डीडीएम में पढ़ाई करने के बाद विद्यार्थियों की सरकारी क्षेत्र के अलावा निजी क्षेत्र की फार्मा कंपनियों में प्लेसमेंट की राह आसान होती है।